हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मस्टर्ड में कैसे इमेस्कुलेशन करना है, कैसे पॉलिनेशन करना है, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो मस्टर्ड है इसमें क्या है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होता है। ठीक है, तो हमको अगर क्रॉस बनाना है, हमको किसी दूसरी वैरायटी का पॉलन ला करके इस पर डस्ट करना है, हमको क्रॉस बनाना है, दो वैरायटी के बीच में हमको इंटरवेरिटल क्रॉस बनाना है, तो सबसे पहले इसका जो मेल पार्ट है उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि मस्टर्ड में किस तरीके से हम इमेस्कुलेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी फ्लावर में कौन कौन से पार्ट हैं वो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं फिर इमेस्कुलेशन दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये आप जानते हैं जैसा कि ये पेडिसिल है। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैलिक्स है, तो कैलिक्स कई सेपल से मिलकर चूंकि बने होते हैं, तो यहाँ पे चार जो है सेपल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से चार सेपल होते हैं और चार ही जो है पेटल होते हैं। ठीक है, देखिए एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, तो इस तरीके से चार जो है इसमें पेटल होते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये क्या है, ये एंड्रोइशियम है, मतलब एंड्रोइशियम का पार्ट है। तो ये एक जो है ये स्टेमेन कहलाएगा। अब चूंकि आपको पता है जो स्टेमेन है वो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है, तो आप जब इसको बहुत ही क्लियरली देखेंगे गौर से तो आपको चार जो एंथर हैं, चार स्टेमेन जो हैं, ये आपको एक उसमें वर्ल्ड में दिखेंगे और दो जो है अलग दिखेंगे। देखिए ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये अलग है और चार जो है एक साथ हैं। तो ये टेट्रा डाई एडल्फस कंडीशन है, जबकि मटर में हमने देखा था कि नौ एक साथ रहते हैं, एक अलग रहता है, तो वो डाई एडल्फस कंडीशन होती है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो टेट्रा डाई एडल्फस कंडीशन है। देखिए ये हमने दो ये निकाल दिए और दो ये निकाल दिए, एक ये और एक ये, इस तरीके से इसमें छह जो है स्टेमेन है। ठीक है, इसके बाद ये अंदर वाला जो आप भाग दे रहे हैं ये क्या है, ये फीमेल है, ये गाइनोइशियम है जिसको पिस्टिल बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल और ये फिर ओवरी। इसी ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद फिर सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो है ये जो ओवरी है यही बाद में फिर सिलिकुआ को फॉर्म करती है, सिलिकुआ इसी से बनती है। ठीक है, और इसी के अंदर फिर जो है सीड हमको मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो है ये क्या है, सिलिकुआ है, यही ओवरी जो है बड़ी हो गई है और ये आपको देखिए यहाँ पे स्टिग्मा दिख रही है। ठीक है, तो इसी के अंदर ओव्यूल से फिर सीड का फॉर्मेशन हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमको इमेस्कुलेशन करना है। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से जो है एक इन्फ्लुएंस यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जितनी भी इसमें जो है सीड जिसमें सेटिंग हो चुका है, सिलिकुआ लगी हुई है, इनको हम हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमको पॉलिनेशन करना है वो अपने डिजायर्ड जो है मेल से करना है। ठीक है, जबकि इसमें जो है अनवांटेड पॉलिनेशन जो कि हमने नहीं किया है वो हो चुका है। ये देखिए हम जो फ्लावर ओपन हो चुके हैं इनको सबको हम क्या करेंगे, बारी बारी से रिमूव कर देंगे, ये सारे फ्लावर हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये सारे फ्लावर हम रिमूव कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से रिमूव कर देंगे, इस तरीके से रिमूव कर देंगे। इसके बाद ये जो ऊपर वाला आप पोर्शन देख रहे हैं इसमें अभी किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इनको भी हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इनको हम रिमूव कर देंगे, इस तरीके से रिमूव कर दिया। अब देखिए ये जो बनी बची हुई है बड, ये जो है बिल्कुल परफेक्ट है, इसी में हम इमेस्कुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कैमरा आप पास मिलाइए थोड़ा सा, देखिए इस तरीके से हम जो है इसमें इमेस्कुलेशन करेंगे। इस तरीके से हमने जो है इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद देखिए इस तरीके से हम मेल पार्ट जो है इसमें से निकाल देंगे। ये देखिए दो हमने एंथर निकाले, इसके बाद जो है हम देखिए बहुत ही आराम से इस तरीके से तीन निकल गए, अभी ये चार चार, फिर इसके बाद ये पांच और फिर ये छह। ठीक है,
इस तरीके से हमने देखे मेल पार्ट को निकाल दिया है। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फीमेल जो है बिल्कुल सेफ है। देखिए ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल और ये फिर ओवरी, ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से इमेस्कुलेशन हम सारी जो है बड में करेंगे। इसी तरीके से जितनी बड है इन सारी बड में जो है, नीचे करिए कैमरा, इन सारी बड में हम इमेस्कुलेशन करेंगे। इसके बाद जो है बटर पेपर बैग से इसको हम कवर कर देंगे, ठीक है, बटर पेपर बैग से इसको हम कवर कर देंगे। तो अभी हमको आपको दिखाना है कि पॉलिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसको जो है इमेस्कुलेशन हम शाम में करते हैं और मॉर्निंग में जो है पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट जो है पॉलिनेशन का प्रोसीजर दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। सपोज डेट ये एक वैरायटी है, इसके बाद दूसरी वैरायटी सपोज डेट वहां पे वो लगी हुई है, तो हम वहां से फ्लावर लेकर के आएंगे, ठीक है, वहां से हम फ्लावर लेकर के आएंगे। और एक बार फिर विवेक चलते हैं, बहुत ही अच्छी गेंद विवेक की, बहुत ही अच्छी गेंद, बैट्समैन समझ नहीं पा रहे हैं। हम ऐसा फ्लावर चूज करेंगे जो अभी ओपन हुआ हो, फ्रेश फ्लावर जो है हम चूज करेंगे, ठीक है, हम फ्रेश फ्लावर चूज करेंगे और इसके बाद जो है हम इसको पॉलिनेट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे फ्लावर जो हमारे पास है इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसकी स्टिग्मा पे इस तरीके से क्या करेंगे, डस्टिंग करा देंगे। इस तरीके से जितनी भी हम बड में इमेस्कुलेशन किए हैं सभी में क्या करेंगे, पॉलिनेशन करने के बाद फिर हम इसको जो है क्या करेंगे, बटर पेपर बैग से ढक देंगे और ढकने के बाद जो है हम इसमें लेबल लगा देंगे, उस पर डेट ऑफ पॉलिनेशन लिख दिया जाएगा, मेल पेरेंट जो कि हम लेकर के आए हैं उसका नाम जो है मेंशन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि मस्टर्ड में हम किस तरीके से इमेस्कुलेशन और पॉलिनेशन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।